सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद उनके इस वीडियो ने हर किसी को रुला दिया। इतने होनार मेहनती और सुपरस्टार के चले जाने से हर कोई गहरे सदमे में है। सिद्धार्थ को खोने के बाद उनकी माँ और बहनों का जो हाल है वो शायद बताना भी मुश्किल है। सिद्धार्थ के ऐसे चले जाने की खबर न केवल पूरी मुंबई को हिलाकर रख गई, बल्कि माँ और बहन के बाद अगर किसी को सबसे बड़ा सदमा लगा है तो वो है शहनाज गिल। सिद्धार्थ की खबर मिलते ही शहनाज गिल शूटिंग छोड़कर भागी और वो इस हालत में नहीं थी कि वो कुछ कह पाती। शहनाज के पिता ने बताया कि शहनाज का क्या हाल था, वो हाथ पैर पटक रही थी, बुरी तरह गिड़गिड़ा रही थी और रो रही थी कि एक बार सिद्धार्थ तुम वापस आ जाओ, और एक ही बात कह रही थी कि सिद्धार्थ मेरे हाथों में दम तोड़कर गया, मुझे जो उससे हिम्मत मिलती थी वो अब मैं कहाँ से लाऊंगी, मैं कैसे जीऊंगी। सिद्धार्थ ने जाने के एक दिन पहले शहनाज गिल के साथ टाइम स्पेंड भी किया था। सिद्धार्थ ने शहनाज के हाथों से अपनी चंपी करवाई थी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। शहनाज को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस सिद्धार्थ की वो अभी चंपी कर रही है वो उस वक्त उसका आखिरी वक्त चल रहा है। वीडियो में शहनाज गिल कह रही है कि बहुत बुरा हुआ, हर किसी को अपने टाइम से जाना चाहिए, ऊपर वाले को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनकी अभी उम्र भी क्या थी, हर किसी की मौत जब आए तब ही जाना चाहिए। शहनाज गिल कहती हैं कि बहुत बुरा लगता है कि आप इतना नाम कमाओ, शोहरत कमाओ, परिवार के लिए, अपनों के लिए, और एक झटके में आप उसी परिवार को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। उस नाम का क्या फायदा जो ज्यादा दिन टिक भी नहीं पाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि इस वीडियो में शहनाज गिल सिद्धार्थ का नाम तो नहीं ले रही है, ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये वीडियो सिद्धार्थ के लिए ही है या फिर किसी और के लिए। इस वीडियो में आगे सिद्धार्थ शुक्ला के जन्मदिन का माहौल भी दिखाया जाता है, जब बर्थडे वाले दिन सिद्धार्थ अपने परिवार के साथ इस खास दिन को ऐसे एंजॉय कर रहे हैं जैसे उन्हें जन्नत मिल गई हो। वाकई माँ और बहनों से मिलने के बाद सिद्धार्थ ऐसा ही महसूस करते थे कि उनकी जन्नत यही है। सिद्धार्थ अपनी बहनों से और माँ से बहुत प्यार करते थे। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि सिद्धार्थ के जन्मदिन वाले दिन उनकी बहनें सिद्धार्थ को कमरे से धक्का मारकर बाहर लाती हैं और नीचे गिराती हैं और फिर बर्थडे बॉय को हाथ पैर पकड़कर झूला झुलाती हैं, लातों से मारती हैं। भाई बहन का ये मस्ती भरा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अब वो बहनें क्या करेंगी जिनका इकलौता भाई अचानक उनसे दो शब्द बोले बिना चुपचाप चला गया। जिन बहनों को अपने इस भाई पर गर्व था वो अब नहीं है। ये वीडियो देखकर बार बार सिद्धार्थ के फैंस रो रहे हैं, हर तरफ कोहराम मचा हुआ है। आप भी डिस्क्रिप्शन में दिए इस वीडियो पर क्लिक करके देखें कि कैसे सिद्धार्थ अपनी बहन और माँ से मिलने के बाद सब कुछ भूल जाते थे। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर सुनकर हर कोई रो रहा है, कांप रहा है, परिवार का जो हाल है वो शायद बताना भी मुश्किल है। माँ बेहोशी की हालत में पड़ी है तो वहीं बहन के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही है। जवान बेटे की मौत ने परिवार को झंझोर कर रख दिया। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये दिन किसी के सामने ना आए। जो दिन आज सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार को देखना पड़ रहा है, ठीक यही दिन सिद्धार्थ के शो के दो परिवार और भी देख चुके हैं। जी हाँ, जिस शो से सिद्धार्थ शुक्ला को लाइमलाइट मिली उसी शो के दो स्टार और भी ऐसे ही जा चुके हैं। सिद्धार्थ शुक्ला की बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। इन दिनों वो अपने करियर के पीक पर थे, उन्होंने कई टीवी शोज और फिल्मों में काम किया था। टीवी सीरियल बालिका वधू सिद्धार्थ शुक्ला का सबसे ज्यादा फेमस सीरियल रहा है। इसी सीरियल से सिद्धार्थ शुक्ला को रातों रात घर में पहचान मिली। सिद्धार्थ से पहले बालिका वधू टीवी सीरियल के दो स्टार्स का भी निधन हो चुका। इनके अलावा शो में सिद्धार्थ शुक्ला की पत्नी का किरदार निभाने वाली प्रत्युषा बनर्जी, जिन्होंने आनंदी का किरदार निभाया था, उन्होंने भी दुनिया को अलविदा कह दिया था। प्रत्युषा बनर्जी 25 साल की छोटी उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। प्रत्युषा की मौत का कारण सुसाइड था। फैमिली की कुछ परेशानियों के चलते एक्ट्रेस ने ये बड़ा कदम उठाया था, लेकिन परिवार ने उनके बॉयफ्रेंड पे गलत आरोप लगाए थे। परिवार का कहना था कि बॉयफ्रेंड की वजह से उनकी बेटी ने अपनी जिंदगी गंवा दी। लोगों को एक्ट्रेस के निधन से बड़ा शॉक लगा था। प्रत्युषा भी सिद्धार्थ की तरह ही बिग बॉस का हिस्सा रही और हाल ही में प्रत्युषा के बॉयफ्रेंड ने प्रत्युषा को लेकर चौंकाने वाला राज भी खोला था। बताएंगे हम आपको कि प्रत्युषा के बॉयफ्रेंड ने क्या कहा था। सिद्धार्थ शुक्ला और प्रत्युषा के अलावा सुरेखा सीकरी का भी इसी साल निधन हुआ। एक्ट्रेस काफी दिनों से बीमार चल रही थी, लंबे इलाज के बाद उन्होंने भी दुनिया को अलविदा कह दिया था।
सुरेखा सीकरी ने बालिका वधू में दादी सा का किरदार निभाया था। सुरेखा सीकरी की भी खूब फैन फॉलोइंग थी। सिद्धार्थ शुक्ला, सुरेखा सीकरी और प्रत्युषा बनर्जी इन तीनों एक्ट्रेस के निधन ने फैंस को हिलाकर रख दिया। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। किसी को यकीन नहीं होता कि हंसता मुस्कुराता बिग बॉस 13 का विनर और टीवी इंडस्ट्री का मशहूर अभिनेता अचानक हम सब के बीच से चला जाएगा। अचानक से मुंबई में ही इस खबर से हड़कंप नहीं मचा, बल्कि टीवी चैनल भी ये खबर बनाते वक्त कांप रहे हैं। हम आपको बता नहीं सकते कि इस वक्त इस खबर को पढ़ने के बाद उनके फैंस और चाहने वालों का क्या हाल हो रहा है। परिवार में मातम पसर गया। हर कोई यकीन नहीं कर पा रहा कि सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं रहे। एक्टर और बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला का अचानक हार्ट अटैक से निधन हो गया। मुंबई के कपूर अस्पताल में सिद्धार्थ के निधन की पुष्टि की गई है। हार्ट अटैक जैसी खतरनाक बीमारी ने सिद्धार्थ शुक्ला को छीन लिया। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला ने रात को सोने से पहले कुछ दवाइयां खाई थी, लेकिन उसके बाद वो उठ ही नहीं पाए। अस्पताल ने बाद में पुष्टि की कि सिद्धार्थ की मौत हार्ट अटैक होने से हुई है। सिद्धार्थ शुक्ला के इस तरह से अचानक निधन से पूरी बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में शोक है। तमाम स्टार सिद्धार्थ शुक्ला की ये खबर जानकर शॉक्ड है। सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं। टीवी इंडस्ट्री का बड़ा नाम सिद्धार्थ शुक्ला ने रियलिटी शो बिग बॉस 13वां सीजन जीता था और वो लगातार अपनी ऊंचाइयों में बढ़ते जा रहे थे, लेकिन आज इस खबर ने हर किसी के पैरों तले जमीन हिला दी है। इसके अलावा उनके खतरों के खिलाड़ी का 7वां सीजन भी उनके नाम किया गया था। सीरियल बालिका वधू से सिद्धार्थ शुक्ला ने देश के घर घर में अपनी पहचान बनाई थी। मुंबई में 12 दिसंबर 1980 को जन्मे सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के तौर पर की थी। साल 2004 में उन्होंने टीवी से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। 2008 में वो बाबुल का आंगन छूटे ना नाम के टीवी सीरियल से दिखे थे, लेकिन उसकी असली पहचान बालिका वधू सीरियल से बनी थी, जिसने उन्हें घर घर तक पहुंचा दिया। टीवी इंडस्ट्री में सफलता के बाद सिद्धार्थ शुक्ला ने बॉलीवुड का भी रुख किया। साल 2014 में आई हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म में वो दिखाई दिए और इसी साल उनकी ब्रोकन बट ब्यूटीफुल नाम की वेब सीरीज भी आई, जिससे वो खूब सुर्खियों में रहे। टीवी इंडस्ट्री की ओर से सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर दुख व्यक्त किया जा रहा है। एक्ट्रेस सना खान ने बात करते हुए कहा कि हम में से किसी को भी यकीन नहीं होता कि सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे। पहले मुझे इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब कंफर्म हुआ तो वो हैरान हो गई और हर कोई फूट फूट कर रो रहा है। कोई सिद्धार्थ शुक्ला की इस खबर पर यकीन नहीं कर पा रहा है। हम आपको सिद्धार्थ शुक्ला से जुड़ी हर खबर देते रहेंगे।